So students, today we are going to learn government assistance to small industry and small business units. देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है कि पीछे हमने डिस्कस किया था कि जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स होती हैं, उनको कई तरह की प्रॉब्लम होती है, हर तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियों से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, टेक्नोलॉजी को लेके हो, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं इनको कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी मदद देती है, असिस्टेंस देती है। तो आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि क्या क्या असिस्टेंस देती है। तो देखो, एक तो असिस्टेंस देती है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इंडिया में क्या है, एक बैंक है नाबार्ड, आपने नाम सुना होगा, पीछे पढ़ा भी होगा सोशल साइंस में पहले। नाबार्ड बोलते हैं शॉर्टकट में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है आप देखेंगे मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसको गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया था, सेटअप किया था कि रूरल डेवलपमेंट हो सके। 1982 में सेटअप किया गया था इसको। और फिर इसका काम क्या है, फाइनेंस देना, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, विलेज इंडस्ट्री हो गई, या फिर आर्टिशंस होते हैं ना जो हाथ से बनाते हैं सामान, उन लोगों को पैसा प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी उनको पैसे की जरूरत होगी तो वो नाबार्ड से पैसा क्लेम कर सकते हैं, उनको मिल जाता है। अच्छा, दूसरा काम ये भी करता है ये वाला बैंक कि काउंसलिंग की भी सर्विसेज देता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है। मान लो कि जैसे कोई राय वाय लेनी है, जैसे कोई पर्सन स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है विलेज में, तो वो कंसल्ट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बैंक में जाएगा, बैंक मैनेजर के पास होते हैं इस तरह के कंसल्टेंट, तो वो काफी अच्छे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, बताएंगे कि ये खोलना, यहाँ पे ओपन करना सही रहेगी कि नहीं बिजनेस, और ये भी बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम होगी, कितना पैसा आपको जरूरत पड़ सकती है, और बकायदा उसकी काउंसलिंग होगी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो काउंसलिंग भी कर सकता है वहां पे। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। और एक और गवर्नमेंट मदद करती है स्टूडेंट्स ट्रेनिंग देने की। यहाँ पे क्या करती है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। रूरल एंटरप्रेन्योर्स वो लोग हैं जो गांव में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो अगर आप गांव में बिजनेस शुरू करना चाहते हो या कोई भी रूरल एंटरप्रेन्योर है, तो उसकी मदद करेगी ये नाबार्ड, उसको ट्रेनिंग कराएगी, उसको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवाती है अपनी तरफ से, ठीक है, और उसको सिखाती है कि ऐसे ऐसे चीजों पे ध्यान देना है, तो फिर आप अच्छा कर पाओगे। तो ये सब हो गया, एक तो ये असिस्टेंस हो गया। दूसरा एक और मदद करती है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर्स, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में RSBDC। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये एक तरह का इनिशिएटिव है ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं ना जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है, उनको एक तरह से ये अपनी तरफ से मदद करते हैं, और नाबार्ड इसको स्पॉन्सर कराता है, मतलब इसमें जो भी खर्चा वर्चा आता है ये नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वही मदद करता है। अच्छा, इसमें करता क्या है कि ये जो अपना RSBDC है, इसका काम ये है कि ये टेक्निकल असिस्टेंस देता है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, जो रूरल एरिया में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोगों को टेक्निकल असिस्टेंस देगा, नॉलेज देगा उनको, ठीक है। जब भी किसी तरह की मदद होगी, जैसे टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है ना कि भाई ये वाली यहाँ पे ये, जैसे सपोज करो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो कई बार जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं जो पहली बार शुरू करते हैं बिजनेस, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो ये लोग क्या करते हैं, टेक्निकल हेल्प देते हैं कि लाइक दिस इज लीगल, दिस इज इलीगल, है ना, और ऐसे करोगे तो आप इतना फंड रेज कर पाओगे, ऐसे आपको गवर्नमेंट और एक्स्ट्रा पैसे दे सकती है, इस एसेट को खरीदोगे तो इसके ऊपर ज्यादा छूट मिलेगी, इस टाइप की इंफॉर्मेशन ये लोग देते हैं। और एक और काम करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स ऑन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप स्किल अपग्रेडेशन वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह कराते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, स्किल अपग्रेड करते हैं, जैसे जो वर्कशॉप्स होती हैं, वर्कशॉप्स क्या होती है, तो किसी को पता है वर्कशॉप क्या होती है? सर छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर जैसे होते हैं, काफी अच्छा। कम टाइम के लिए एस्टैब्लिश होते हैं। ओके, ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये लोग क्या करते हैं ना कि वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं, लोगों को बुलाया जाता है और वहाँ पे एक्सपीरियंस लोग आके और जो रिसोर्स पर्सन होते हैं वो आके डिस्कस करते हैं मैटर को, ठीक है, और कुछ अच्छी चीजें बताते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, तो इससे बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो इस तरह से वर्कशॉप्स वगैरह अरेंज कराने का काम करते हैं। ऐसे ही आप देखोगे
आज की डेट में भी अगर आप देखोगे ना, कई जगह ऐसे वर्कशॉप चलती रहती हैं, जैसे अभी एडुकेशन पॉलिसी आई है तो इसके ऊपर मैं ख्याल 2 तारीख को द हिंदू न्यूज़पेपर कर रहा है सेमिनार, वेबिनार हो रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल 2 बजे से है, तो अगर किसी को अटेंड करना है तो मैं बताएंगे तो मैं लिंक भेज दूंगा आपको, एडुकेशन सिस्टम पे जो द हिंदू न्यूज़पेपर आता है वो वेबिनार करेगा, तो अगर आपके पास अगर यूज़ करना है तो आप उसके लिंक को जाके यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह के ऐसे ही बैंक भी करवाते हैं कई बार, ठीक है, इसमें क्या होता है एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं और अपग्रेड किया जाता है स्किल्स लोगों को। फिर एक और आता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, NSIC, इसका काम क्या है, ये भी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट मदद करती है स्मॉल बिजनेस को, इसको सेटअप किया था 1955 में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना उनके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये काम करता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। और ये क्या करता है कि जो मशीन बहुत ही कम अवेलेबल है ना उनको इम्पोर्ट कराता है हायर परचेज बेसिस पे। हायर परचेज का मतलब है आप उसको यूज करते रहो और किस्तों में पैसे पे करते रहो, तो ये एक सुविधा प्रोवाइड करा देता है, आपको सारे पैसे नहीं देना, जैसे मान लो स्मॉल बिजनेस के पास आपको पता है इतना पैसा नहीं होता कि वो एक ही बार में पे कर पाए, दे हैव वेरी फ्यू मनी, तो हम कह सकते हैं तो उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन क्या करता है कि उनको विदेशों से जो मशीन इंडिया में अवेलेबल नहीं है उसको इम्पोर्ट करा देगा और हायर परचेज सिस्टम पे प्रोवाइड करा देगा कि भाई आप कमाते रहो देते रहो पैसे, तो इससे क्या होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आसानी से अफोर्ड कर पाती है। अच्छा एक और काम क्या करता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन कि ये सप्लाई करता है रॉ मटेरियल्स लोकली, ठीक है, जैसे लोकल लेवल पे बहुत सारे रॉ मटेरियल को सप्लाई करता है और एक्सपोर्ट में भी मदद करता है। देखो नीचे वाली लाइन में लिखा है कि सपोर्ट इन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोई सामान को ज्यादा बना रही है तो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदेशों में। अच्छा एक और काम करता है मॉनिटरिंग करने का और एडवाइजरी सर्विसेज देता है, तो मॉनिटर भी करता है और एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए अवेयर करता है, जैसे कई बार क्या होता है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और स्मॉल बिजनेसमैन को पता नहीं होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी है मार्केट में, तो ये जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है ये अवेयर करता है, यानी कि दे कॉन्टैक्ट पीपल सच टाइप ऑफ पीपल जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड इन्फॉर्म देम अबाउट वेरियस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, लाइक कोई नई मशीन आई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देता है कि इस तरह की मशीन मार्केट में आ चुकी है, अगर आप इसको यूज करोगे तो ज्यादा प्रोडक्ट वो कर सकते हो मैन्युफैक्चर कर सकते हो, तो ये सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और फिर एक और काम करता है डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर आया है तो उसको डेवलप भी करने में मदद करता है, उसमें कुछ चेंजेस ला सकता है, अपनी तरफ से कोई नया सॉफ्टवेयर बना सकता है जिससे कि काफी काम आसान हो जाता है, तो इस तरह से करते हैं ये लोग। एक और है रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई इसमें क्या होता है सरकार ने बना रखा है वुमेन स्किल, कि इसमें ये इसका काम क्या है, रूरल एंड वुमेन नाम से ही समझ गए होंगे आप कि रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या करता है, एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करता है और वुमेन्स को एनकरेज करता है कि आइए आप काम कीजिए, ठीक है, और ये मदद करता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, कोशिश इसकी कोशिश ये होती है कि किसी भी तरह से ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आए, लेबर ज्यादा कमाए, और वुमेन्स को ना ट्रेनिंग वगैरह देने का भी काम करता है, जैसे कोई मान लो वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, जैसे पहली बार किसी वुमेन ने बिजनेस स्टार्ट किया हो तो उसको बहुत हेल्प करता है, जैसे मान लो वुमेन्स भी तो पार्ट है, तो वुमेन्स पहले इतना इनिशिएटिव नहीं लेती थी, कोई नई बिजनेस कोई खोलना नहीं चाहती वुमेन, रिस्क बहुत ज्यादा होता है, आप देखोगे ज्यादातर एंटरप्रेन्योर मेल मिलेंगे आज की डेट में भी, तो वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वुमेन भी काफी सोच सकती है इस तरह की क्रिएटिव आइडियाज, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज होती हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बनाया जिसमें गवर्नमेंट फंड देती है कि भाई जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट करो, अगर कोई वुमेन नई बिजनेस शुरू करती है उसके पास कोई आइडिया है तो उसको सपोर्ट दीजिए पैसा दीजिए, ये काम करते हैं। और लास्ट में है टू गिव एडवाइजरी इन ऑल रेस्पेक्ट, हर तरह के जो सर्विसेज हैं सर्विसेज से रिलेटेड उसमें एडवाइस देते हैं, मतलब आप इनका व्यू ले सकते हो, सपोज करो आप वुमेन हो और आपको नई बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू कैन ऑलवेज गो एंड टेक सम व्यूज फ्रॉम रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो इससे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एक और आता है स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज,
अभी क्या है, गवर्नमेंट ने असिस्टेंस देने के लिए ये भी एक बना रखा है, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं स्फूर्ति, ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है, इसका काम, इसको इस्टेब्लिश किया था 2005 में, जिससे कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से क्या समझते हो स्टूडेंट, क्या होती है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज? सर कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिस जो बहुत पुरानी है और जो जो मतलब जिसमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते और पहले पुराने जमाने से चली आ रही है और उस लाइन पे चलती है, तो इस तरह के जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करने के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव और कम्पिटेटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये इसको स्टार्ट किया और इसको इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री इसको करती है और स्टेट गवर्नमेंट की इसमें मदद लेती है, ठीक है। और इसमें क्या करा जाता है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में, उनको डेवलप करने का काम करती है, ये चुन लेती है, जैसे मान लो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है कई एरिया में, तो उसका पूरा क्लस्टर इकट्ठा करके डेवलप, उनको सबको एक साथ डेवलप करने की कोशिश करती है। और कोशिश इनकी ये होती है, देखो जनरली होता है क्या कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री होती है ना उतना ज्यादा इनोवेटिव नहीं होती है, अपने पुराने आइडियाज को यूज करती है कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में, तो ये लोग और उनको इनोवेटिव बनाते हैं और कोशिश इनकी यही होती है कि इनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाए, ठीक है। आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है आज की डेट में भी, तो उनको कुछ ऐसा किया जाता है कि वो सस्टेन कर पाए, मार्केट में स्टैंड कर पाए। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। तो ये था, अब एक और है DICs, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है अक्सर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, इसको एस्टैब्लिश किया था 1978 में। बेशक आप डेट याद नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके मेन मेन काम याद रखना, ठीक है। ये क्या करता है, देखो आप जैसे इसको याद करना है तो कैसे याद करोगे, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, इसका काम होता है सपोर्ट, देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा सब सपोर्ट कर रहे हैं, वुमेन वाला पढ़ा तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहा था, अब ये जैसे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है तो इसमें क्या है कि ये सपोर्ट करता है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है ना, हर एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं तो सभी डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट करने का काम कर, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, और वहाँ के लोग वहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और इससे मदद लेंगे, ये हर तरह की फैसिलिटी देता है। अगर आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, विलेज इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और फिर दूसरा काम इसका ये होता है कि ये आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करता है तरह तरह की स्कीम्स, जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो नए नए स्टार्टर्स होते हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, एंटरप्रेन्योर्स जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको बहुत सारे स्कीम्स का पता नहीं होता है, तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से उनको स्कीम्स का पता चल जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या क्या स्कीम्स निकाली हैं। तो यहाँ से आप जाके ऑफिस में पता कर सकते हो, जैसे मान लो सरकार ने कुछ लोन का प्रोविजन रखा है कि भाई इतना लोन आपको मिल सकता है या इतना पैसा आप उधार ले सकते हो कम रेट पे या फिर 2-3 साल तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो ये सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में। और फिर प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑन ईच इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री की ना ये रिपोर्ट बनाता है, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट इसका यही लगता है कहा कि ये क्या करता है फिजिबल रिपोर्ट बना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब है कि ये रिपोर्ट बना के देता है कि जो इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है या हाल फिलहाल में चल रही है वो फिजिबल है कि नहीं, फिजिबल का मतलब होता है चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, और अगर नहीं चल पाएंगे तो उसके कुछ रीजंस भी बताता है कि भाई ये वजह है, हमें नहीं लगता कि ये बिजनेस आगे चलेगी, तो इससे गवर्नमेंट को आइडिया रहता है कि कितनी स्मॉल बिजनेसेस क्लोज हो सकती है या कितनी अच्छा कर रही है, तो उसके बारे में और रिसर्च किया जा सकता है कि भाई किस वजह से अच्छा हो रहा है, क्या क्या रीजंस हैं, तो वो और यूज किया जा सकता है, तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट देता है। फिर है अरेंजमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स, उधार वगैरह अरेंज कराने में मदद करता है, इक्विपमेंट वगैरह अरेंज कराने में मदद करता है, रॉ मटेरियल अरेंज कराने में मदद करता है, ठीक है, देखो नीचे पॉइंट है कि अरेंजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स। और फिर ये क्या करता है, जो आर्टिशियंस होते हैं ना और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है प्रॉपर, जैसे मान लो आर्टिशियंस कौन होते हैं, जो हाथ से बुनकर वगैरह मजदूर होते हैं, वो तो उनको कई चीजों की ट्रेनिंग नहीं होती है, वो अपने परिवार से ही उन्होंने सीखा होता है तो कई चीजें नहीं पता होती है उनको, तो ये लोग प्रॉपर तरीके से उनको ट्रेन करते हैं, अगर अच्छे से ट्रेनिंग दे दोगे तो ऑब्वियस सी बात है दे विल स्टार्ट अर्निंग मोर एंड मोर इनकम फ्रॉम दैट, तो इससे क्या होगा वो ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा और इससे इनडायरेक्टली कह सकते हो आप वर्कर्स की इनकम बढ़ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो हम लोगों ने बेटा पढ़ लिया कि गवर्नमेंट किस तरह से असिस्ट करती है
और हमने ये 6 पॉइंट्स पढ़े आज कि पहला नाबार्ड बैंक को बनाया गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका काम होता है फंड्स वगैरह प्रोवाइड करना और हेल्प करना। अब इसमें देखो सभी हेल्प कर रहे हैं अलग अलग तरीके, और ये जो RSBDC है अगर आप बोलो तो इसी को नाबार्ड का ही देना है, ये नाबार्ड ने इसको किया है प्रमोट, तो उसी की उस ये भी वही काम करता है, मदद करता है। इसी तरह से नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है और विमेन वाला जो है विमेन के लिए मदद करता है, यह सब हम अभी पढ़ चुके हैं। स्फूर्ति वाला जो है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के लिए बेसिकली खोला गया, और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर तो हर एक काम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है फिजिबिलिटी चेक करके रिपोर्ट देता है, मशीन्स प्रोवाइड कराता है, ट्रेनिंग भी देता है, सारे काम करता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था स्मॉल बिजनेस एकदम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मेरी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं रहा है, आपको अगर कुछ पूछना है डाउट जो आज की क्लास में है तो पूछिए। करेंट 6 पॉइंट ईयर भी याद कि कौन से नहीं, अगर आपको ईयर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो आपको ईयर तो नहीं पूछा जाएगा एटलीस्ट, ठीक है, बट अगर याद कर सको तो अच्छी बात है। ठीक है, ओके सर। बस इसको आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा का क्या काम है। देखो हमें इतना तो पता है कि ये सभी जो है एंटरप्रेन्योर्स और जो वर्कर्स हैं उन्हीं के लिए है, और ज्यादातर इसमें मशीन वगैरह सभी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद रख लो। ठीक है, मैंने काफी डिटेल में मैंने बता दिया, स्पेसिफिक है, बुक में बहुत टू द पॉइंट लिखा हुआ है, और हमारा वाला भी मैंने कोशिश की है कि एकदम मेन मेन पॉइंट ही डिस्कस हो इसमें। ठीक है, आप नोट्स में बना लो अपने हिसाब से, उसको लर्न कर सकते हैं। पूछना है और कुछ? नो सर।